हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज और एक नया वीडियो के साथ आप लोग का सामने आया हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज मतलब कत्तल खाने जा रहे हैं। मेरा दोस्त एक उसका घर में कत्तल का पेड़ है, तो वो बुला लिया है हम लोगों को तो कत्तल पका हुआ कत्तल खाने के लिए। तो आप लोग तो जानते हो जैक फ्रूट जो कत्तल बोलते हैं हम लोग, तो वो खाने के लिए बुला रहा है अभी। तो हम लोग अभी वो खाने जा रहे हैं। तो मैं अभी घर पर हूँ। तो घर आज पूरा आप लोग देख सकते हैं, आज पूरा इतना आज पूरा धूप दिया है, आसमान पूरा साफा है। आप लोग देख सकते हैं आसमान पूरा साफा है, पूरा आज धूप है। एक एक दो हफ्ता ऐसा हो रहा है पूरा बारिश देखे, तो आज पहली बार मतलब धूप दे रहा है, तो इतना सारा पूरा धूप पूरा सही है। ऐसे धूप में पूरा नज़ारा देखने में पूरा अच्छा लगता है। तो हम तो आज पूरा हम लोग पूरा कपड़ा धुलाई कर दिया है पूरा सुखाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैं कपड़ा इधर सुखाने के लिए रख दिया है, क्योंकि सुबह हम लोग पूरा वॉश कर लिया है, धो लिया है ये। तो अभी हम लोग ये पूरा धो के अभी सुखाने के लिए इधर रख दिया है। तो पिताजी इधर है, मेरा पिताजी इधर बैठा हुआ है। तो मैं अभी हम लोग जा रहा है दोस्त का घर में, क्योंकि पिताजी थोड़ा चलने में थोड़ा उसका प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहा है इसमें सुअर को खाना खिला रहा है। देखो ये खाओ खाओ खाना खाओ, डर रहा है मुझसे, डरो मत, खाओ खाना खाओ जल्दी, नहीं तो भूखा प्यासे मर जाओगे यहाँ। खाना खा लो, देखो पूरा प्यार कितना प्यारा है सुअर का, खाना खा रहा है देखो। तो अभी हम लोग पूरा रेडी हो गया, और ये भाभी ये भी रेडी हो रहा है, और ये रेडी हो गया है, अभी कत्तल खाने जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग चल पड़ा है अभी, तो ये दोनों जा रहा है मेरा आगे आगे। तो आप लोग देख सकते हैं सारा तरफ पूरा सुपारी का बागान है। देखो दोस्तों, सुपारी का पेड़ साइड में देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, देखो साइड पे रोड का साइड में। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली उसी घर में पहुंच गया है जो मेरा दोस्त ने कत्तल करने के लिए इनवाइट किया है। तो उसी घर में हम लोग फाइनली पहुंच गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा कत्तल रेडी करके रख लिया है इसमें, और ये मेरा दोस्त है, और ये इसका बेबी। तो इसमें ये लोग पूरा खा के पहले से थोड़ा खा लिया है, और ये इसमें हम लोग को रख दिया है। देखो ये देखो दोस्तों, ये देखो पूरा पूरा पका हुआ है, ये खाने में पूरा स्वीट है। देखो दोस्तों, तो पहले मैं एक पीस ट्राई कर लेता हूँ कैसे है, ये ले लेता हूँ। तो दोस्तों, ये देखो पूरा खाने में पूरा मजा है। देखो पूरा मीठा है दोस्तों, पूरा स्वीट है। कैसा लगा बताओ? होना होना कैसा लग रहा है बताओ? पूरा स्वीट है। देखो दोस्तों, पूरा खाने में पूरा मीठा है, पूरा स्वीट है, पूरा टेस्टी है। तो उसका जो सीट है, उसका जो गोटी है, ये इसको तो खा नहीं सकता है, ये दाल बना के खा सकता है ये। तो देखो ये साथ में देखो ये पूरा। तो दोस्तों, ये जो आप लोग ये जो कत्तल का जो सीट ये देख रहा है, ये मतलब खान पूरा पका के खाता है ये दाल बना कर खाता है ये, पूरा सही लगता है इसको खाने में, बहुत टेस्टी है ये भी। आप लोग देख सकते हैं, देखो उसका खाके मतलब ये निकल के रखा है हम लोग।
तो दोस्तों हम लोग पूरा खा के फाइनली पूरा खत्म कर लिए। आप लोग देख सकते हैं पूरा एक गुथी भी नहीं है इसमें जो कत्तल का, और इसमें पूरा इसमें रख दिया है हम लोग जो बाकी पूरा ये हम लोग खा के रखा है, ये पूरा खाली कर दिया है। तो ये जो दो आप लोग कत्तल जो देख रहे हैं ये जैकफ्रूट, तो ये अभी इसमें रखा हुआ है, ये अभी तो अच्छा से नहीं पका है, तो ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मतलब ये इसको 3-4 दिन का बाद ये पूरा पक जाएगा, इसको मतलब अभी 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, तो ये उसका बाद ये पकने का पूरा रेडी हो जाएगा, उसका बाद ये खा सकता है। तो फाइनली हम लोग पूरा खा के ख़त्म कर लिया है, ये जितना सारा इधर है तो ये सब दोस्त लोग मिल के हम लोग ये पूरा खा के ख़त्म कर लिया है, पूरा फैट भर लिया है। दोस्तों हम लोग का अभी बहुत खाने का बहुत मज़ा आ गया है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कैसे लगता है आप लोग कत्तल का जो पका हुआ कत्तल खाने में आप लोग का कैसा लगता है, तो टेस्ट कैसे होता है, आप लोग जो खाया है वो उसको मालूम है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अभी हम लोग कत्तल खा के पूरा खा लिया है, और उसके बाद मेरा दोस्त ने बोला है उसका घर में और आम का पेड़ है, तो बोल रहा है कि आम तोड़ने जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको देखने जा रहा हूँ आम कैसे तोड़ता है वो, और आम मिलता है कि नहीं मिलता है उसका पेड़ से। तो आम है बोला, तो देखते हैं आम का पेड़ में जाके तो आम है कि नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों हम लोग अभी कत्तल का जो कत्तल हम लोग जो खाया है पका हुआ कत्तल, तो उसका कहानी यहाँ तक तो ख़त्म करते हैं दोस्तों।